एक आदमी मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था, उसकी क्या उम्र होगी जो मारा गोली? मेरा ख्याल है बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर एक बार फिर गोलीकांड से थर्रा गया है आजमगढ़। बता दें कि आजमगढ़ में पान विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र की है। बेखौफ अपराधियों के दुस्साहस से एक बार फिर एक घटना से थर्राया आजमगढ़ जिला। बता दें कि युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी है ताबड़तोड़ गोली। बेखौफ बदमाश उसके बाद आराम से हुए फरार। 35 वर्षीय पान विक्रेता कलीम अहमद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के सहरिया मोड़ की यह घटना है। घटना की जानकारी के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मृतक के पिता हकीक ने घटना के पीछे अपने तीन भतीजों जाहिद, लल्लू, आला, पुत्रगढ़ मोहित का नाम बताया है। घटना के कारण के रूप में जमीनी बंटवारे के सिलसिले में तहसील निजामाबाद में चल रहे मुकदमे को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पिता के द्वारा इस सिलसिले में पूर्व में थाने पर कोई सूचना नहीं दिए जाने की बात बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस द्वारा नामजद जाहिद और आला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां एक बार फिर गोलीकांड से थर्रा आ गया है आजमगढ़। क्या हुआ, क्या था ये? सर पान की दुकान पे थे और कोई आया अचानक मार के चला गया। क्या मतलब फायरिंग हुई है? हाँ फायरिंग, मतलब ये पान की दुकान बैठे थे? हाँ पान की दुकान पे, हाँ बैठे थे, मार के चला गया। ऑन द स्पॉट? अच्छा, उनको फिर लेके आए आप? हाँ, फिर यहाँ से मैं लेके आया। अच्छा, कोई रंजिश या कुछ? हाँ रंजिश तो कोई नहीं है। अच्छा, कोई शक किसी पे, किसी कुछ? अभी तो बाद में सर। अभी क्या करते, क्या है? ये पान की दुकान चलाते हैं। अच्छा, दुकान ही में हम लोग चले गए थे घर भोजन करने के लिए, पता चला तो फिर वहाँ से आए। कलीम नामक व्यक्ति जो कि अपने पान के कूके पर बैठे हुए थे, शाम को दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार में एक व्यक्ति द्वारा उतरकर गोली मारकर उनकी हत्या की गई है और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा और हत्या करने के बाद वो फरिया चौकी की तरफ भाग गए। इसमें जानकारी करने पर ये अभी प्रथम दृष्टया ये बात संज्ञान में आ रही है कि इनका रंजिश का मैटर था, जमीनी रंजिश की बात इनके पिता द्वारा बताई गई है। इस संबंध में अभी तहरीर इनके द्वारा दी जा रही है, तहरीर प्राप्त होने पर और स्थिति स्पष्ट होगी और पुलिस द्वारा जो है इस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी और घटना का खुलासा किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।